नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यस एजुकेयर के यूट्यूब चैनल पर। मैं संदीप सिकावत। आज की इस कक्षा में अपन रीजनिंग है उसमें बात करेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों की संख्या गिनना। उसमें भी सबसे पहले यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या अपन किस प्रकार से काउंट करते हैं। दोस्तों इसका एक प्रश्न है वो यहाँ पे हर कंपटीशन में आता है। जैसे आप पुलिस का देख लीजिएगा, या फिर अपने पास एनटीपीसी रेलवे का देख लीजिएगा, या फिर डिफेंस का देख लीजिएगा। एक प्रश्न इसका यहाँ से किसी भी एग्जाम में आता है। सपोज आरएस है, कोई भी एग्जाम है, उसमें अपने पास एक प्रश्न है वो पूछा जाता है आकृतियों से संबंधित, कि इस फिगर में कुल कितने त्रिभुज होंगे, या कुल कितने आयत होंगे, कुल कितने वर्ग होंगे, कुल कितने समांतर चतुर्भुज होंगे, कुल कितनी सरल रेखाएं होगी, कुल कितने वक्र होंगे। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आज मैं बताने वाला हूँ, इसमें समझाने वाला हूँ, तो आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इसमें सबसे पहला यहाँ पे अपन टाइप फर्स्ट है वो लेते हैं। इसमें आकृतियों की संख्या गिनने में भी सबसे पहला टाइप लेते हैं वो लेते हैं त्रिभुज की संख्या गिनना। किसकी संख्या गिनना? त्रिभुज है उसकी संख्या गिनना। तो आज अपन यहाँ पे इसमें भी पहला टाइप है वो अध्ययन कर रहे हैं। आपको ये डायग्राम इस टाइप के दिए जाते हैं, इनमें यहां से देखते हैं आपको त्रिभुजों की संख्या कैसे प्राप्त होगी, किस टाइप से, यहां से। तो समझेगा, सबसे पहला प्रश्न है इसमें आप ये पार्ट्स देख लेना, कितने भाग बन रहे हैं, कितने त्रिभुज बन रहे हैं, इधर दो, और ये चाहे इस पे देख लो वन टू, यहां पे इस पे देख लो जी वन टू, किसी भी साइड से देख लो। यदि दो भाग है तो उनमें त्रिभुजों की संख्या, ये अपने पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या है वो सदैव ही कितनी होगी? पांच होगी। कैसे होगी वो मैं डिटेल से बताऊंगा आपको। यहाँ पे यदि यहाँ पे तीन पार्ट बनते हैं, जैसे ये तीन भाग बन रहे हैं या तीन त्रिभुज आ रहे हैं नीचे, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या तीन वाले में सदैव ही कितनी होती है? तेरह। और यदि यहाँ पे ये अपने पास चार आते हैं, जैसे वन टू थ्री फोर, तो यहाँ पे सदैव ही त्रिभुजों की संख्या है वो सत्ताईस होगी। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी बार पूछा है और भी पूछ सकता है। यहाँ पे यदि पार्ट्स की संख्या वन टू थ्री फोर और फाइव होती है तो इसमें त्रिभुजों की संख्या सदैव अड़तालीस होगी। ये भी इम्पोर्टेंट है, चौथा क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। पांचवा, यदि पार्ट्स की संख्या वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स होती है, छह होती है, तो यहाँ पे इसमें त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे सेवेंटी एट होती है। और यदि सात होती है तो त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे, यदि पार्ट्स है, ये भाग है या त्रिभुज है, ये नीचे एक साइड में अपने पास सात होते हैं, तो सदैव ही टोटल त्रिभुजों की संख्या होती है 118। अब ये त्रिभुजों की संख्या 118 कैसे होती है, किस टाइप से होती है, इसका मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट है वो समझाने जा रहा हूं। यानी सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि इस टाइप का अपने पास डायग्राम आएगा, इसमें चार त्रिभुज नीचे की ओर बन रहे तो उसमें 27, तीन बन रहे तो 13, पांच बन रहे तो 48, ये तीन ही आपको ध्यान में रखने है, ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका मैं लेता हूं एग्जाम्पल। जैसे आप समझेगा, यहाँ पे यदि आपके पास ये पांच भाग बन रहे, इसी में मैं काउंट करके बता रहा हूं, या तीन वाले भाग में काउंट कर लीजिएगा, किसी में काउंट कर लो, एक में। जैसे क्वेश्चन नंबर दो है, इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। सबसे पहले यदि आपके पास यहाँ पे पार्ट्स है, उनकी संख्या है वो वन टू थ्री, जैसे दो नंबर में तीन ही भाग बन रहे, तीन त्रिभुज बन रहे, नीचे की तरफ एक रेखा पे तीन त्रिभुज बन रहे, सबसे पहले इनकी सीएफ फाइंड आउट कर लेंगे। सीएफ होती है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, या हिंदी में इसको संचयी बारंबारता कहते हैं। कक्षा 10 में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप सबने पढ़ा है, उसमें हम माध्य का याद करते थे तो सीएफ, और वैसे भी नहीं ध्यान में रहे तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे सीधा याद रखो इनका योग करना है। सबसे पहले एक है, अब एक में दो ऐड कर देंगे तो ये तीन, फिर तीन में तीन ऐड कर देंगे छह, कैसे बनी एक बार दोबारा समझेगा। सबसे पहले एक, फिर एक में दो को ऐड कर दिया तीन, फिर तीन में तीन को ऐड कर दिया छह, ये सीएफ बन गई। अब इसमें नीचे से ऊपर की ओर चलना, आपको नीचे से कहां की ओर चलना है, ऊपर की ओर, एक संख्या छोड़कर दूसरी संख्या को मार्किंग कर लेनी है, फिर एक संख्या छोड़ेंगे, ऊपर संख्या नहीं है, मार्किंग की उसको बाहर लिख लेना है, और इन सब को मार्किंग की हुई और सीएफ वाली संख्याओं को क्या कर देना है, प्लस, छह तीन नौ एक दस, दस और तीन कितना तेरह, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या है तेरह। अब यहाँ पे जैसे ये अपने पास पार्ट्स है, उनकी संख्या आपको यदि सपोज चार है तो यहाँ पे कैसे बनाओगे, जैसे मैं यहाँ पे, ये तो दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन था, अब सॉल्यूशन करता हूं मैं यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन का, तो तीसरे क्वेश्चन का कैसे करोगे समझेगा ध्यान से।
ये 1, 2, 3, 4 ये चार भाग बन रहे हैं, चार त्रिभुज बन रहे हैं एक रेखा पे, तो समझेगा इनकी बनाएंगे सबसे पहले क्या बनाएंगे, सीएफ। कैसे बनाओगे, 1 और 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10। कैसे बनाओगे, 1, 1 प्लस 2 जोड़ के लिख दिया 3, और यहां पे 1 और 2 3 और 3 जोड़ के लिख दिया 6, चौथी लाइन में इन चारों को जोड़ के लिख दिया 10। और यहां पे नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो एक तो छोड़ देंगे, दूसरा मार्किंग कर दिया, फिर एक छोड़ दिया, इसको मार्किंग कर दिया। सबको क्या करना है, सबको करना है प्लस, 10 और 6 16, 16 और 3 19 और 1 20, 20 और 6 26, 26 और 1 कितना 27। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई, 27। फिर इसी प्रकार जैसे पार्ट्स 5 होते हैं तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां पे 5 पार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो सबसे पहले तो अपन बनाते हैं इनकी, क्या बनाते हैं दोस्तों, सीएफ बनाते हैं। सीएफ है वो 1 और 2 3, 3 और 3 कितना 6 और 4 10 और ये अपने पास 15 हो जाएगा। क्या करना है, नीचे से ऊपर की ओर चलना है, एक छोड़ के एक को मार्किंग कर देना है, मार्किंग वाला मान साइड में रख देना है। सबको क्या करना है, प्लस करना है, सबको क्या करना है, प्लस करना है। तो 15 और 10 कितना 25, 25 और 6 कितना 31, 31 और 3 कितना 34, 34 और 1 35, 35 और 3 38, 38 और 10 48। इन सबका प्लस हुआ 48। तो 5 यहां पे एक रेखा पे त्रिभुज बन रहे हैं या भाग बन रहे हैं, पार्ट बन रहे हैं, तो उसमें अपने पास सदैव त्रिभुजों की संख्या 48 होगी। 6 वाले में सदैव कितनी होगी, यहां पे 6 वाले में यहां पे एक 78 हो जाएगी, 7 वाले में 118, 4 वाले में 27 और 3 वाले में 13 और 2 वाले में अपने पास कितने बनेंगे, 5। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी वीडियो थी, इसको आप ज्यादा से ज्यादा सेव करना। एक चीज और बता देता हूं, मतलब जैसे इसमें आप वैसे काउंट करोगे तो इसमें तो काउंट हो जाएगा लेकिन उसमें त्रिभुज रह जाएंगे। सपोज यहां पे ये अपने पास 2 नंबर वाला डायग्राम है, इसमें आप काउंट करोगे ना तो जैसे एक एक काउंट करोगे, कुछ एक एक भी काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक एक तो 9 बन गए। फिर 9 के बाद में 10वां ये वाला एक त्रिभुज बन जाएगा, ये 10 और ये वाला एक त्रिभुज है वो आपके पास बन जाएगा कितना हो जाएगा, 11 और एक ये अपने पास यहां पे 12 और एक टोटल पूरा ये त्रिभुज बनेंगे आपके पास कितने, 13। लेकिन ये अपने पास यहां पे जब आपके पास शॉर्टकट ट्रिक्स है, आपको केवल एक रेखा के त्रिभुज काउंट करते ही पता चल जाए कि 2 है तो उसमें 5 बनेंगे, एक रेखा पर यदि 3 त्रिभुज बन रहे हैं तो उसमें 13, 4 बन रहे हैं तो 27, 5 बन रहे हैं तो 48, 6 बन रहे तो 78, 7 बन रहे हैं तो 118। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। थैंक्स, आज की इस क्लास में हमने पढ़ा यहां पे त्रिभुजों की संख्या गिनना, उसका पहला पार्ट पढ़ा। फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।